रुको 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 जा रहा भाई, कहाँ जा रहे हो, कहाँ कर रहे हो स्किप, रुको देखेंगे अर्पित बाला, आएगा अर्पित बाला अभी, उससे पहले मेरा इंट्रो सुनो। हेलो जी व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग, होप गाइस अच्छे होंगे। सो गाइस मेरा नाम है वेदांत, यही था मेरा इंट्रो। और गाइस आज की वीडियो में अपन दोनों साथ में देखने वाले अर्पित बाला की नई वीडियो बर्थडे विद साहिल। मेरे को देखना चाहता हूँ इसके अंदर उसने क्या स्पेशल कर दिया वो इंसान ने, जितना फेमस हो रहा है। हम भी तो कर रहे हैं यूट्यूब, हम क्यों नहीं हो रहे, वही पता करेंगे हम आज की वीडियो में। पर सब्सक्राइब कर देना, तुमसे हम एक ही चीज मांग रहे, उसके तरह सुपर चैट नहीं मांगता मैं, तुम्हारे पैसे नहीं मांगता मैं, समझे ना, सिर्फ सब्सक्राइब मांगता हूँ जो कि फ्री का है, और तुमको फर्क भी नहीं पड़ेगा वो एक क्लिक दबाने में, क्योंकि तुम देखने भी नहीं वाले हो। ए देखना ओए, देखना ओए, मजाक कर रहा था ओए, जोक के लिए बोला। हाँ तो गाइस अपन देखने वाले अर्पित बाला की नई वीडियो, और पता करेंगे साले को क्यों आ रहे इतने व्यूज, हमको तो नहीं आ रहे, देखता हूँ रुक जाओ। देखो भाई ये इंसान को ऐसा बैठा, ऐसा बैठा है भाई ये, इसको इतने व्यूज क्यों आ रहे, ऐसा है ये, ऐसा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा फिर भी इसको ज्यादा व्यूज आ रहे। चलो अब आगे देख लेते हैं। अब मैं ना एक कहानी सुनाता हूँ, गानी सुनाओ भाई, मैं कहानी सुनाओ, सुनाओ। मैं और साहिल एक दिन ना बैठे, हाँ साहिल मैं बता दूँ क्या बोलते हैं, इसने पहले पुरानी वीडियो से बता रखा है, साहिल जो है ना इसके क्लास का सबसे भयंकर बच्चा था, भयंकर बच्चा, सबसे खतरनाक बच्चा था वो। वो मैडम तक को बोल देता था, मैडम आपका पल्लू गिर जाता है तो हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, थोड़ा अच्छे कपड़े पहन के आया करो, ऐसे साहिल ने बोल दिया था। यही था कॉन्टेक्स्ट, अब आगे सुनो। हम लोग मिले थे, साहिल की गाड़ी थी, हम लोग बस बैठे हुए थे, और हम दोनों को ना स्कूल का एक दोस्त है जिससे हमारी बहुत टाइम से बात नहीं थी, उसका नाम है ध्रुव, ठीक है। अब साहिल और मेरा ऐसा था कि भाई ध्रुव हमारा स्कूल में बहुत अच्छा दोस्त था, हाँ। बट हम उससे ना ज्यादा मिलते नहीं थे, क्योंकि हमारे को लगता था कि यार ये बंदा ना थोड़ा क्रैक हो चुका है, ये अभी भी 11वीं में फंसा हुआ है, वही नशे, वही दारू, वही पार्टी एंड एवरीथिंग। तो उसका फोन आता है, भाई 11वीं में ये लोग नशे कर रहे थे, भाई मैं सेकंड ईयर में हूँ कॉलेज के, मैंने अभी तक कुछ नशा वाला कुछ करा ही नहीं है, मैं सही हूँ क्या, ये दुनिया मुझे एक्सेप्ट करेगी, उनका तो नहीं पता, पर लेकिन तुम लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना। भाई कहाँ है, सर बोलता है नहीं यार मैं बस अभी अर्पित के साथ में हूँ। और भाई अर्पित कैसे हो, मैं बोला बढ़िया भाई बढ़िया। ध्रुव कहता है अब तो बड़े आदमी हो गए, उसके बाद मैं बोला हाँ। हंस रहे हम सारे के सारे, फिर वो बोलता है भाई मेरा बर्थडे आ रहा है, भाई आ जाना यार तुम लोग सारे के सारे। भाई मैंने साहिल की तरफ देखा, साहिल ने मेरी तरफ देखा, हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देख के बोला नहीं करना, नहीं जाना, नहीं जाना भाई, मुझे नहीं जाना, मुझे तो नहीं जाना। फिर एकदम से ध्रुव साहिल की तरफ बात चल रही थी, हम लोग बोले थे यार नहीं यार अर्पित बिजी है भाई, उसके शोज वोज है एवरीथिंग। फिर एकदम से ध्रुव बोलता बट वैसे साहिल वो आ रही है, एंड वो इस केस में लेट्स जस्ट गिव इट अ रैंडमली रैंडम नेम अनन्या, ठीक है, और वो है साहिल की एक्स की, अनन्या आ रही है, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। एकदम से साहिल बोलता अच्छा हाँ भाई हम आ रहे हैं। अब क्या होता है, मैंने पहले साहिल की तरफ देखा, मैंने बोला क्या हम क्यों जा रहे हैं, बोलता भाई चलते हैं ना ब्रो, बहुत टाइम से हम लोग ध्रुव से नहीं मिले हैं यार, बड़ा टाइम हो गया हम लोग, यू नो मतलब हम लोग स्कूल से निकले एंड वी जस्ट लाइक यू नो पार्टेड वेज, लाइक we don't even know what he's doing these days and I feel like I'm a bad friend. I was like okay theek hai bhai hum log party mein ab jayenge, cool, because I knew party mein aage kya hone wala hai, I just knew party mein aage kya hone wala hai, maza aane wala hai, maza aane wala hai, yay। pehli cheez party ho rahi thi ek ghar mein jiska naam tha flat, theek hai, and it's exactly what it is, a flat, theek hai, usko ye log flat bolte the, theek hai, this man never gets tired of defaming me. रुक जा भाई साहिल, लेट मी से दिस शिट, ओके, इट्स नॉट डेफामेशन, होल्ड अप। फिर क्या होता है, हम लोग ना घर पे पहुंचते, पार्टी स्टार्ट हो रही थी 8:30, हम लोग पहुंचे हैं कुछ ऐसी 9:15, एकदम से हम लोगों ने खटखटाया, दरवाजा खोला, और वो बंदा आता ध्रुव और बोलता भाई सुन हाँ जूते है ना, हाँ उतारना मत, जूते पहन के आना, मतलब कल ना विवेक ने बहन लाइट फोड़ दी ट्यूबलाइट, और पीछे 3 लड़के, अबे क्या याद दिला दिया भाई जहर आदमी। अब क्या पता कौन है, इनको क्या पता कौन है, वो बेफालतू में हंस रहे, ये बेफालतू में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये यही चीज पे बोलेगा अभी, देखना। साहिल को देख रहा हूँ, साहिल मुझे देख रहा हूँ, हाँ भाई अब तो आए हैं यार, ध्रुव से मिलना था भाई, अब तो हम साहिल भाई हम जाएंगे भाई, मिल के जाएंगे, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग आगे बैठे, हम लोग थोड़ी और देर तक हम लोगों ने बातें करी, फिर हम लोगों ने दीवारें देखी, एक से एक लंड बना हुआ भाई दीवारों पे,
कलाकृति भाई मतलब क्या बोलते हैं, ये कौन सा बॉयज वॉशरूम में चले गए थे, ये कैसा फ्लैट है? बॉयज वॉशरूम में कलाकारी के नाम पर सिर्फ तुमको लंडी दिखेंगे भाई, टू बी ऑनेस्ट भाई। मेरे कॉलेज के टॉयलेट में बस वही बना और उसपे इंसान का नाम लिख रखे लोगों ने, ग्राफिटी आर्टिस्ट है ना, और हर के नीचे लिखा हुआ है ध्रुव वॉज हियर, हर ग्राफिटी के नीचे लिखा हुआ है ध्रुव वॉज हियर। आई वाज लाइक चलो ठीक है। फिर क्या होता है, पांच छह लोग आते हैं, ग्रेफिटी बोलता ग्रेफिटी, एंड एक से एक कंचा औरत के साथ में, ठीक है ना, कंचा औरत, और कंचा औरत ऐसी कि मतलब उनको देख के लग रहा था कि दे वर पेड टू बी हियर, बिकॉज आई वुड थिंक लाइक नोबडी वुड, अब ना इट साउंड्स रॉन्ग, आई वुड से कि नोबडी इन देयर राइट माइंड वुड एसोसिएट विद दीज गाइस, रियली टॉल एस डूड्स, ठीक है, एंड दाढ़ी वाड़ी पूरी शेप नहीं करा रखी थी, और लंबे हट्टे कट्टे से बाउंसर टाइप के, पांच छह लोग हैं उसमें से, और वो लोग आते हैं, घुसते हैं और मुझे देखते हैं, और वो ऐसे देखते हैं मुझे और वो कहते हैं हम पे तो है ना, अरे भाई इसका इस पे तो कर्ज चढ़ गया भाई, हम पे तो है ना बोलते इसको तड़ जगह। हाँ जी, और फिर ना उन लोगों ने मेरे को घेर लिया, कहता करियो जरा, मैंने बोला क्या करना, कहता चुप चाहिए। थोड़ा सा डर सा गया एकदम से, क्या हो क्या रहा है। फिर वो बोलता है भाई तूने गाने भी बना रखे है ना, बोला हाँ। उन लोगों ने ना मुझे घेरा और एक ब्लूटूथ का स्पीकर रख दिया और वुशांग चला दिया, और वुशांग चल रहा है, मैं बस खड़ा हुआ हूँ और वो लोग मुझे देख रहे हैं वुशांग चलते हुए। गाना गा तू तो बड़ा है ना सिंगर, तू तो लो गा। बाद में मैं इसके शो पे गया था, मजा आ गया था भाई, जाना तुम लोग भी जब मौका मिले। घेर रखा है मुझे पांच छह लड़कों ने, लंबे चौड़े हट्टे हट्टे, सॉरी मुझे। फिर वो एकदम से बोलते एक और गाना भी है ना तेरा, हाँ। फिर महारानी चल रहा है और मैं बस ऐसी खड़ा हुआ। अब क्या आता है, ध्रुव की गर्लफ्रेंड आती है, नाइस 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 गर्ल, वेरी वेरी आई वुड से वेरी वेलकमिंग, बिल्कुल अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम नहीं दी है, हम लोगों ने बात बात करी एंड एवरीथिंग। और उसकी बंदी का एक दोस्त आता है, नाम उसका विकास, विकास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टोरी। ओके, 11:30 हो रहे हैं, सबने पी ली है, और विकास ने इतनी पी ली है कि वो बार बार मुझे पकड़ रहा है और साहिल को पकड़ रहा है और ऐसी बातें कर रहा है। आपको पता है कि अगर आप पैसे वैसे लगाते हो ऐसे ऐसे करके तो ऐसे हो जाता है, एंड वी वर जस्ट ट्राइंग टू इग्नोर हिम, और उस बंदे ने बस वो पीता ही गया पीता ही गया पीता ही गया। एक पॉइंट आया कि वो ना एक सोफे पे जाके गिर गया, हम सारे देख रहे हैं उसको कि अब विकास भाई क्या करेंगे। विकास भाई एकदम से उठते हैं, जिप खोलते हैं और गमले की तरफ जाते हैं, तो ध्रुव का एक दोस्त आता बड़ा हट्टा कट्टा सा, उसको लेकर जाता है और वो महंचोद उसको एक कमरे में फेंक देता है, ठीक है। अब उस कमरे में बाथरूम बंद होता है, तो वो आई वुड से कि वो जो नहीं होता कि मतलब देखो इफ यू आर अ फकिंग डूड यू हैव क्या मतलब लंड बोल देंगे लोड़ा बोल देंगे, बट आई वुड से कि वो बंदा अपना नंगू लेके बाहर आया था बिकॉज उसने बहुत पी ली थी, जिसको बोल रहे विस्की पीनिस, वैसे वो अपना नंगू लेके बाहर आया था। अरे हाँ भाई, मतलब वो बिल्कुल एकदम जब बोलता ठंडा माहौल रहता तब की बात कर रहा वो, एंड पांच छह लड़कियां बस देख रही हैं और एक लड़का है पैट थोड़ी नीचे और उसका नंगू बाहर है और वो बोल रहा भाई यार बाथरूम बंद है यार। उसकी जो पिटाई हुई है ना लड़का लिटरली लाइक, एक होता है कि बहन जो तुम पीट रहे हो किसी को और उसको सूसू रोकनी पड़ रही है, भाई वो बंदा पिट रहा है और अपनी सूसू रोकने की कोशिश कर रहा है, वो मूत भी रहा है और लड़ भी रहा है, साहिल मुझे ऐसे देख रहा है ठीक है भाई निकलना है निकलना है निकलना, नहीं नहीं अब तो तू वेट कर अनन्या की, अनन्या के लिए वेट होगा भाई, अनन्या फिर ही जाएंगे। फिर क्या होता है, अनन्या आती है एक अपनी डेट के साथ, प्लस वन के साथ, साहिल मैं बोला हाँ भाई ध्रुव से मिले हुए बहुत टाइम हो गया यार, ध्रुव कैसा है भाई तू यार, बड़ा टाइम हो गया है यार। भाई ऐसे समय में ना दोस्त के छिलने में अलग मजा आता है भाई। नहीं भाई बड़ा टाइम हो गया है यार, बहुत टाइम हो गया है यार। इन सब चीजों के बीच में क्या होता है, मैं हमारे ना पार्टी में, मैंने एक और चीज भी नहीं बताई थी, एक ना केयर टेकर जैसे भैया थे, वो ना आते थे और जब भी कोई चीज रखनी होती थी जैसे चिप्स हो गए दारू हो गई ऐसे टेबल पे, तो वो ना हमेशा ऐसे घूर के जाते थे लड़कियों को, अपेरेंटली ही माइट हैव सीन देम समवेयर एल्स। No, I'm just kidding, okay? भाई ये देखो कितना गंदा इंसान है, देखो कैसी बातें कर रहा है भैया, एक एक बेचारा इंसान जिसको पैसे मिले हैं काम करने के, वो अपना काम निभा रहा है, वो देख रहा है ना भाई कि लड़की किसी को उल्टी ना आ जाए, साफ कर दू उसको पी लू उल्टी को, देख रहा हो उसमें क्या है, गंदा इंसान है भाई ये। I'm just kidding, but वो बस आता था और ऐसे कभी किसी औरत के क्लीवेज पे देख लिया जोर से, घूर लिया किसी औरत को भाई, उल्टी ना लगे हो कि क्लीवेज पे उसके, उल्टी ना साफ कर देगा वो चाट के। एवरीथिंग एंड इट वाज अ बिट अनकंफर्टेबल,
चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फिर और वो ना जाके कमरे में जाके बैठ जाता था, लैच लगा लेता था। मैंने बोला भाई उस कमरे में क्या है, बंद क्यों रखते हो इतना ज्यादा? वो बोलता कुछ नहीं भैया, केयर टेकर का। फिर बारी आती है कि भैंचो तो बर्थडे का केक कटेगा, ठीक है? ठीक है भाई, केक कटेगा। केक कैसे कट रहा है? केक तो कट गया, पर ध्रुव के एक ऐसी जो है ना लंबे बाउंसर वाले दोस्त ने पिस्तौल निकाल दी। अरे नहीं यार, पिस्तौल कहाँ चलाओगे? कह रहा नहीं भाई, बर्थडे आज पिस्तौल चलेगी। वो आंगन, वो जो नहीं होता, वो जो क्या बोलते हैं, वो बालकनी, बालकनी में चले गए पिस्तौल लेके। मुझे एक बात बताओ, सारे लोग बोल रहे भाई पिस्तौल चलेगी, आप फ्लैट में हो, आप गोली ऊपर चलाओगे, किसी का घर नहीं है ऊपर। ये चीज समझने में उनको 15 मिनट लगे कि नहीं भाई गोली चलाएंगे किसी को लग जाएगी ऊपर, आराम से रहते हैं बहनचोद, ये सब चीजें करने नहीं आए हम। चलो ठीक है भाई। अरे यार भाई, भाई कुछ लोग सच्ची में 11th क्लास में ही रह जाते हैं भाई, वो सच बात है भाई, वो सच बात है, ये सही बोलता है ये इंसान। या वो लोग ही जब इन्होंने 12th के बाद कॉपी उठाई इनका सर दुखा, वो वाले लोग ही है ये। I just wanted to see bro, साहिल ऐसे हो रहा कि बहनचोद यहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं भाई तू चल अब देख, देख अब क्या होगा। फिर हम लोग बस बैठे हुए हैं एंड एवरीथिंग, और गाने चले जा रहे हैं जोर जोर से, ठीक है? और मेरे को किसी के साथ फोन पे बात करना था, और मैं गलती से उस कमरे में घुस गया जिसके अंदर वो बोला था केयरटेकर का कमरा। वहां पे मैं देखता हूँ केयरटेकर भैया लेदर जैकेट पहन के एयरपॉड्स लगा के वेप फूंक रहे हैं। मैं बोला वाओ क्या बात है भाई, ये होती है बहनचोद जिंदगी। yes. फिर मैं बाहर निकला कमरे से, फिर साहिल आता, भाई यार यहाँ से चलते हैं भाई, भाई वो उसकी हालत खराब हो गई अन्याना को देख के। भाई मेरी भी हो जाएगी यार, मेरी तो क्या बोलते हैं स्कूल की क्रश को देख लूंगा किसी और के साथ तो भी मेरी हो जाती है भाई। मैं क्या बताऊं इस मामले में यार, मेरे से नहीं देखा जा रहा। मैंने बोला क्या हो गया भाई? अनन्या उस बंदे के साथ मेकआउट कर रही है। मैं गया ध्रुव के पास, अरे भाई ध्रुव भाई बड़े टाइम से बात ही हुई यार, अभी घंटा और है भाई, क्या चल रहा है क्या भाई? सब बता, तू सब बता भाई, मुझे सब बता। और हम लोगों ने एक घंटे तक, और फिर हम लोग वहां से निकले 3 बजे निकले हैं हम लोग गाड़ी में। हमारे को एकदम से ना कॉल आता है, हेलो रिपित भाई। बोला हाँ भाई। यार भाई आपने विवेक भाई के एयरपॉड्स देखे हैं? मैं बोला नहीं भाई मैंने तो नहीं देखे। आपने विकास भाई की जैकेट देखी लेदर वाली? बोला नहीं भाई मैंने तो नहीं देखी। अच्छा अच्छा भाई, मेरा वेब भी नहीं मिल रहा। बोला अच्छा भाई, मेरे को तो नहीं पता भाई, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बोलता यार पता नहीं यार, मिल नहीं रहा यार, आप एक बारी गाड़ी में चेक करो। नहीं भाई गाड़ी में कुछ नहीं है, तुम घर में ही देखो मिल जाएगा, घर ढूंढो। या दैट्स माय साहिल स्टोरी। दैट वाज अ गुड जोक, दैट वाज अ ग्रेट जोक मैन, दैट वाज अ ग्रेट जोक, दैट वाज अ ग्रेट जोक। आई डोंट केयर अबाउट यू भाई, ऑडियंस कोई नहीं गिन रहा भाई, बोल रहा है अच्छा जोक है, मेरे को अच्छा लग रहा था, अच्छा है। ऑडियंस हंसे नहीं भाई, जोक मार रही है बेफालतू में, हंसी नहीं रहे बेफालतू में, अच्छा जोक है भाई, अच्छा मेरे को अच्छा लगा, तुम मैं अच्छा पागल इंसान है भाई, ये पागल इंसान है भाई, तुम तो मुझे सब्सक्राइब करो, मैं अच्छा इंसान हूँ, मुझे सब्सक्राइब करो। अब क्या, अब कुछ नहीं ब्रो, अब कुछ नहीं, 54 minutes done. I'm about to leave. Okay, देख लेना तुमने कितना गलीच इंसान है भाई ये। देख लेना तुमने, हंसी आई तुम लोगों को, मेरे को भी एक भी बार नहीं आई। तुम लोगों को नहीं आया मजा, मुझे भी नहीं आया। चलो छोड़ो, तुमको भी नहीं आया, मेरे को भी नहीं आया। चलो मेरा एक फायदा करके जा सब्सक्राइब कर देना मालिक, प्लीज यार भैया, प्लीज यार, मजाक साइड में हटके यार ये मेरे को सब्सक्राइब कर दो यार, बाकी सब ठीक है, सब चल रहा है। सो मतलब ये नहीं बनना चाहिए था मेरे को, सॉरी। कैसे लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर नहीं लगी तो भी लाइक करना, मिलता है स्क्रीन शॉट, तो वेट करना, बाय बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय।